मिनिमम 300-400 को निकाले सब। मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। जंगली हो गया पूरा पूरा, इधर से उधर तक लोग हो गए। हमारा घर इधर ही है, हम शाम को 6 बजे इधर पहुंचा, जब आवाज़ आया ब्लास्टिंग का आवाज़ आया तो हम लोग सब आके देखे तो ट्रेन दूसरे ट्रेन के ऊपर चढ़ गया है। ये उस दर्दनाक सफर की उतनी ही दर्दनाक तस्वीर है जिसे देखकर सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। मैं इस समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की एक बोगी में हूँ। इस बोगी में इस समय खड़ा रहना न तो सुरक्षित है और न ही संभव। ये बोगी पूरी टेढ़ी है और टेढ़ी इस कदर कि पर खच्चे उड़ गए हैं पूरी बोगी के। यहाँ पर लोगों के सामान, उनका सारा सामान, फटा हुआ बैग, बोतल, चप्पल, कपड़े, लैया चना मूड़ी, उसके अलावा आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलते हैं और बोगी में अब कुछ बचा नहीं है। इसके आगे जाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी टूटी हुई है। कल्पना कीजिए कि 80 से 100 टन की एक बोगी जिसे कितनी तेज धक्का लगा होगा कि उसकी खिड़कियां यहाँ गिर गई आकर। सारा सामान यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से शवों को निकालना उससे भी बड़ी चुनौती। जब ऊपर वाली सीट ही नीचे झूल जाए, जब दोनों आपस में एक ही बोगी की ये पार्टीशन टूट के अलग हो जाए और उसके साथ कोई भी सीट अपनी जगह ना हो, तो वो इस हादसे की तस्वीर है जो ये बयां करती है कि इस हादसे ने न सिर्फ कितने लोगों की जान ले ली है बल्कि ये प्रमाण छोड़ दिया है ये सामान के तौर पर कि ये हादसा उस समय कितना दर्दनाक होगा। कितना दर्द, कितनी चीखें, कितनी तकलीफ हुई होगी लोगों को जो यहाँ पर किसी का झुमका, किसी की चूड़ी, किसी का सामान, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और उसके साथ ये पूरी बोगी की तस्वीर जो ये बता रही है कि तबाही कितनी गंभीर रही है। कोच पूरा टेढ़ा है, खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आपको सीधा खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन जब ये बोगी ही सीधी नहीं है तो इसमें सीधा कैसे खड़े रहेंगे। ये एक बोगी की तस्वीर नहीं है, मैं आपको पलट के दूसरी बोगी की तस्वीर दिखाती हूँ। जो बोगी पूरी तरह से हट चुकी है, ट्रैक पे ही नहीं है और इतनी बुरी स्थिति है कि जिस वॉशरूम के पास ये पूरा इलाका जो दो बोगियों को जोड़ता है वो इस समय बचा ही नहीं है। ये बोगी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सारा सामान गिरा पड़ा है और ये यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति में यहाँ पर सारा ये झटके लगे होंगे कि कांच के टुकड़े बेसिन में आकर गिरे हैं और एक नहीं पूरी की पूरी ट्रेन में कमोवेश यही स्थिति है। स्थिति इतनी खराब कि यहाँ खड़ा रहना, अपने आप को संभाल पाना मुश्किल है। ट्रेन पूरी बोगी टेढ़ी है, आप यहाँ पर सीधे इसलिए नहीं खड़े हो पाते हैं क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से सीधा खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और इसी में पूरी रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं घंटों घंटों घंटों। और ये सारा सामान, ये पूरी स्थिति ये बता रही है कि ये सिर्फ यहाँ पर पड़ा हुआ सामान नहीं है, कितनी जिंदगियों के चले जाने की निशानी है। हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब। मेरे को थोड़ा आग लग गया था इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा इधर, बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है, उसके बाद ऐसा देख रही है।
जिस पटरी पर ट्रेन को चलना था अब उस पटरी से उतर के न सिर्फ ट्रेन उतरी है बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी भी पटरी से उतर गई है। ये सिर्फ एक बोगी है इस तरह हवा में जिसके पहिए जमीन को भी नहीं छू रहे हैं और जमीन से 3 फीट ऊपर हैं और ऊपर पूरी बोगी वहां से झूलते ये कपड़े बता रहे हैं, गवाह हैं कि किस तरह से लोगों ने यहां से भागने की, निकलने की, अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी। सिर्फ यही नहीं, ये मालगाड़ी ने जब यहां पर धक्का दिया होगा, जब इस ट्रेन से भिड़ी होगी तो कितनी तेज भिड़ी होगी कि 80 टन की बोगियां के पर खच्चे उड़ गए हैं। सिर्फ इस तरह नहीं कि यहां पर ये ट्रेन का सारा सामान यानी कि ट्रेन बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है ये कितने भारी होते हैं, ये हिलते नहीं हैं, ये हिल नहीं सकते हैं। आप इसको कितना उठा लीजिए ये हिलेंगे नहीं, ये इतने भारी होते हैं। 100-100 टन की बोगियां इस समय हवा में हैं, कितने जोर का झटका होगा, कितनी जोर का वो एक्सीडेंट होगा कि ये पहिया जो पटरी पर होता है इस समय हवा में है और हवा में इसी स्थिति में टंगा हुआ है न जाने कितने घंटों से, और इसको काट कर इसमें से शव निकालना, इसमें से उन लोगों को निकालना और यथासंभव कोशिश करना बचाने की कि जितना हो सके जान बचाई जा सके लोगों की। मैं आपको ये कोच दिखा रही हूँ, ये बोगियाँ हैं, ये बोगियों पे इनके नाम थे, कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेस, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, लेकिन अब कुछ नहीं है, ये सब खिड़कियों से लोगों को निकाला गया है, जूता चप्पल सामान कपड़े, किसी का खाना रखा है, कोई अपने घर से खाना लेकर निकला होगा ये सोच कर कि रास्ते में खाएंगे, रास्ते में ही रह गए, खाना नहीं खाया। और ये इतनी दर्दनाक तस्वीर है, ये पूरे आम की पेटियां हैं यहाँ पर। मैं उस सामान को बयां करने की कोशिश कर रही हूँ जो आम तौर पर आदमी अपने साथ लेके निकलता है। ये देखिए कपड़े, किसी की शर्ट यहाँ पर फंसी हुई है, किसी की खिड़की से टूटने की ये गवाही दे रही हैं ये चप्पलें कि कैसे वो व्यक्ति यहाँ से भागा होगा, कैसे वो यात्री यहाँ से निकल के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उस पल में, उस क्षण में जो आया तो सेकेंड्स के लिए था लेकिन तबाही पूरी जिंदगी के लिए मचा गया। What?